हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे पुलिस डिपार्टमेंट में कौन से पोस्ट्स होते हैं, कौन से डेजिग्नेशंस होते हैं, हमारे पुलिस का जो रैंक है इंडिया में वो क्या क्या होता है, उनका क्या काम होता है, उनका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, यही आज हम बात करेंगे डिटेल्स में। ये जो पुलिस वर्ड है ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, मतलब पुलिस का जो सिस्टम है या फिर जो भी स्टेजेस में पुलिस डेजिग्नेशंस दिया गया है ये डिपेंड करता है स्टेट वाइज, एंड दिस पुलिस सिस्टम इज एंटायरली ऑर्गेनाइज बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। ये जो पूरा पुलिस का सिस्टम है दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द स्टेट। तो पुलिस रैंक्स इन इंडिया आर नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स बिकॉज स्टेट वाइज यहाँ पे डेजिग्नेशंस दिया जाता है। इंडिया में पुलिस फोर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर, फॉर प्रिवेंटिंग क्राइम्स, फॉर इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ द सिटीजन्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पुलिस रैंक्स इन इंडिया आर ऑर्गेनाइज्ड हायरार्किकली टू एंश्योर द इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द फोर्स। ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में सिमिलर पुलिस डिपार्टमेंट रैंक्स देखने को मिलता है। कोई कोई स्टेट्स में आप देख सकते हैं कि इम्प्लीमेंट किया जाता है कमिश्नरेट सिस्टम ऑफ पुलिसिंग इन देयर सिटीज, जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है आईजी पुलिसिंग सिस्टम से इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड ज्यूरिसडिक्शन। तो चलिए बात करते हैं अबाउट द पुलिस रैंक्स इन इंडिया नाउ इन डिटेल्स। सभी पुलिस फोर्स सभी स्टेट में एम्पावर किया जाता है विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट एंड लाइक प्रोवाइड सेफ्टी टू द सिटीजन्स। तो पुलिस रैंक्स इन इंडिया कैन बी डायरेक्टली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन वुड बी द डायरेक्ट एंट्री पोस्ट्स एंड सेकंड वुड बी द प्रमोशनल पोस्ट्स। टू अ सर्टेन लेवल हम देख सकते हैं कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये किया जाता है फॉर द पुलिस रैंक्स। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है ये किया जाता है इन द पुलिस रैंक्स, लेकिन उसके बाद जो पोस्टिंग दिया जाता है वो पोस्टिंग मोस्टली दिया जाता है थ्रू प्रमोशन ओनली। तो रिक्रूटमेंट इंडियन पुलिस रैंक्स में किया जाता है एट फोर डिफरेंट लेवल्स। फर्स्ट है कॉन्स्टेबुलरी, सेकेंड है अपर सबऑर्डिनेट, थर्ड है SPS दैट इज थ्रू स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फोर्थ है IPS का पोस्ट जो आपको मिल सकता है थ्रू द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन, अगर आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाते हैं। स्टार्ट करते हैं विद द पुलिस पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल। कॉन्स्टेबल सबसे लोएस्ट पोजीशन होता है इन द पुलिस फोर्स। कुछ कुछ स्टेट्स में इनको सिपाही नाम से भी पुकारा जाता है। ये सिपाही का शब्द एक्चुअली मुगल पीरियड से जाना जाता है एंड सिपाही उसी को कहते हैं जो कैरी करते थे आर्मी को, जो लाइक हेल्प करते थे आर्मी को मूव करने में। इन द लेस सेंसिटिव पोस्टिंग्स कॉन्स्टेबल हैज अ वुडन स्टिक, लेकिन कुछ सेंसिटिव पोस्टिंग में कॉन्स्टेबल को राइट दिया जाता है कि वो एक राइफल भी लेके चल सकते हैं। द आर्म्स ट्रेनिंग इज इम्पार्टेड इन द ट्रेनिंग आफ्टर द रिक्रूटमेंट इज डन एंड ये सभी पोस्ट्स आते हैं कॉन्स्टेबुलरी सिस्टम में विच इज डिवाइज्ड अंडर द ब्रिटिश रूल, लाइक एज पर द ब्रिटिश रूल। तो कॉन्स्टेबल बिकम्स द सीनियर कॉन्स्टेबल एंड देन दे आर लेटर प्रोमोटेड टू द पोस्ट ऑफ हेड कॉन्स्टेबल। स्टेट पुलिस रिक्रूटमेंट बॉडीज ने कंडक्ट किया है कुछ एग्जामिनेशंस फॉर होम गार्ड और फॉर कॉन्स्टेबल रिक्रूटमेंट। इसके अंदर आपको कॉन्स्टेबल दैट इज CT एंड हेड कॉन्स्टेबल दैट इज HC का पोस्ट मिलेगा। हेड कॉन्स्टेबल इज फॉलोड बाय असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर दैट इज ASI पोस्ट एंड ASI इज डायरेक्टली रिक्रूटेड थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस विच इज कंडक्टेड बाय द डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज। एंड ये सभी डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि ये डिफर करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। एवरी स्टेट पुलिस यूनिट हैज इट्स ओन रिक्रूटमेंट मशीनरी दैट कंडक्ट्स द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस फॉर द रिक्रूटमेंट। एग्जामिनेशंस कंडक्ट किया जाता है टू रिक्रूट द ASI एंड द SI पोस्ट्स हु आर प्रोमोटेड टू द PI पोस्ट्स ऑल्सो दैट इज द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस पोस्ट्स इवेंचुअली स्लोली स्लोली। सो यहाँ पे मैंने तीन हायरार्की के बारे में कहा है। एक है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस दैट इज द ASI दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, सेकंड सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस दैट इज द SI, थर्डली इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस दैट इज द PI। अभी हम बात करेंगे प्रोविंशियल या फिर जिसको हम स्टेट पुलिस सर्विस ऑफिसर्स कहते हैं PPS या फिर SPS के बारे में। प्रोविंशियल और स्टेट पुलिस सर्विस ऑफिसर्स को सिलेक्ट किया जाता है थ्रू द
स्टेट पीएससी मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हैं तो उस हिसाब से आपको चूज किया जाएगा। स्टेट पुलिस सर्विस एक गेजेटेड सर्विस है। दे आर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू द इंडियन पुलिस सर्विस दैट इज आईपीएस आफ्टर सर्टेन इयर्स इन सर्विस ऑफकोर्स। द पीपीएस ऑफिसर्स मतलब जो प्रोविंशियल पुलिस सर्विस ऑफिसर्स है उनको अपॉइंट किया जाता है एज डीएसपी। कुछ पुलिस ऑफिसर्स को या फिर कुछ पुलिस इंस्पेक्टर्स को और प्रमोट भी किया जाता है टू द पोस्ट ऑफ डीएसपी इन द लास्ट लेग ऑफ देयर करियर। स्टेट पुलिस ऑफिसर्स को प्रमोट किया जाता है चार पोस्ट्स में, स्पेशली डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है डीएसपी, या फिर एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है एएसपी, थर्डली या फिर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है एसपी, या फिर सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है एसएसपी। चलिए बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ पुलिस ऑफिसर्स जो है आईपीएस का पुलिस ऑफिसर का रैंक्स। आईपीएस ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट किया जाता है थ्रू द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। अगर आप अच्छे मार्क्स सिक्योर करते हैं, अगर आप कट ऑफ को पार करते हैं, तभी आपको आईपीएस ऑफिसर बनने का मौका मिलता है। तो आफ्टर सिलेक्शन दे आर एलिजिबल टू रिसीव अ पैन इंडिया पोस्टिंग एज असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट। तो बहुत सारे पोस्ट्स हैं इसके अंदर, जैसे कि असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और भी है जैसे कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लाइक आईजीपी, फिर होते हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दैट इज डीजीपी। हाईएस्ट पोस्ट इन पुलिस, हर स्टेट में हर राज्य में सबसे हाईएस्ट पोस्ट जो है पुलिस फोर्स का वो मैंड किया जाता है बाय द आईपीएस ऑफिसर। तो जो डायरेक्टर जनरल है पुलिस का दैट इज द डीजीपी, वही हम लोग मान सकते हैं कि वही हाईएस्ट पोस्ट है इन द पुलिस फोर्स। तो ही हैज दिस डीजीपी पोस्ट, हूएवर गेट्स इट he reports to the chief secretary of the state and sometimes directly to the chief minister of the state also. Inka jo kaam hai wo hai ki he can report to the chief secretary of the state and sometimes directly to the chief minister of the state also. To chaliye thoda sa summarize kar lete hain aaj ki class ko. Police ka jo first rank humne padha hai wo hai constable ka rank. To unka recruitment method jo hai wo hai direct recruitment through the police recruitment board. सेकेंड हमने पढ़ाई की है रिगार्डिंग द हेड कांस्टेबल, जिनको रिक्रूटमेंट मिलता है थ्रू प्रमोशन मेथड्स फ्रॉम कांस्टेबल देन हेड कांस्टेबल लाइक दैट। फिर हमने जो पोस्ट या फिर पुलिस का रैंक पढ़ा है वो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पोस्ट, एंड उनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मिलता है थ्रू द पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड। फिर एक पुलिस रैंक होता है जो है सब इंस्पेक्टर का, उनको अभी प्रमोशन के हिसाब से ही रिक्रूटमेंट मिलता है। फिर आते हैं इंस्पेक्टर का पोस्ट, उनको भी प्रमोशन मिलने के बाद ही इंस्पेक्टर का पोस्ट मिलता है। फिर आते हैं डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनको पीपीएस के थ्रू रिक्रूट किया जाता है थ्रू द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन या फिर इंडियन पुलिस सर्विसेज एग्जामिनेशन इन द इनिशियल ईयर्स। आईपीएस या फिर पीपीएस ऑफिसर को जब प्रमोशन मिलता है तभी ये लोग एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बनते हैं। फिर आते हैं सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, इनको भी रिक्रूटमेंट मिलता है थ्रू आईपीएस या फिर पीपीएस थ्रू प्रमोशन मेथड्स। सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस वो बनते हैं जो आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, एंड उनको जब प्रमोशन मिलते हैं तब वो बन जाते हैं सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, अगर कोई आईपीएस ऑफिसर को प्रमोशन मिलता है तो डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बन सकते हैं। आईपीएस ऑफिसर्स इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी बन सकते हैं दैट इज द आईजीपी, या फिर वो एडीजी भी बन सकते हैं, मतलब कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी बन सकते हैं थ्रू प्रमोशन। और एक रैंक है जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मतलब कि डीजीपी, जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत बार ऑलरेडी बातें कर चुके हैं। और एक रैंक है जो है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मतलब कि डीजीपी, एंड आईपीएस ऑफिसर थ्रू प्रमोशन कैन गेट टू दिस रैंक।